दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, बीपीएससी 65वीं का रिजल्ट जारी। रोहतास के गौरव सिंह ने किया टॉप। चंदा भारती दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर नालंदा के वरुण कुमार। बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट गुरुवार को जारी हो गया। इसमें रोहतास के गौरव सिंह ने टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पर बांका की चंदा भारती रही है, जबकि तीसरे नंबर पर नालंदा के वरुण कुमार ने जगह बनाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरव्यू के लिए 1142 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 1114 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए कटअप 532, वहीं अनारक्षित वर्ग के महिलाओं उम्मीदवारों के लिए कटअप 515, EWS के लिए 530, EWS महिला के लिए 504, SC पुरुष के लिए 507 और ST पुरुष के लिए 495 मार्क्स रही है। बिहार सरकार के 14 विभागों में कुल 423 रिक्त पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें से 422 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। टॉप 10 लिस्ट की बात करें तो गौरव सिंह रोहतास से, चंदा भारती बांका, वरुण कुमार नालंदा, सुमित कुमार मधुबनी, अविनेश कुमार सिंह समस्तीपुर, आदित्य श्रीवास्तव झारखंड से, एस प्रतीक मोतिहारी से, आदित्य कुमार भोजपुर से, अनामिका गोपालगंज से और अंकित कुमार भागलपुर से शामिल है। बड़ी खबर, बिहार में 5 दिनों बाद आ सकता है बड़ा बिजली संकट। कोयले की सप्लाई चेन बाधित होने पर आएगी समस्या। जी हां, बिजली उत्पादन इकाइयों को कोयले की आपूर्ति के राष्ट्रीय संकट के बीच बिहार स्थित NTPC के उत्पादन इकाइयों के बीच फिलहाल कोल संकट की स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर 5 दिनों तक कोयले की आपूर्ति की चेन बाधित हुई तो बिहार में बिजली का बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। बिजली कंपनी अन्य स्रोतों से भी करार के तहत बिजली लेती है, पर बाजार में जरूरत के हिसाब से काफी कम बिजली उपलब्ध है। NTPC के एक अधिकारी ने बताया कि कोल आपूर्ति की जो सप्लाई चेन है वह अभी प्रभावित नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर, महापर्व छठ तक बिहार के ग्रामीण इलाकों में 500 नई एम्बुलेंस की सुविधा, परिवहन मंत्री ने की घोषणा। जी हां, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत इस साल छठ तक ग्रामीण इलाकों में 500 नई एम्बुलेंस की सुविधा देने की तैयारी है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली जा रही समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में काम तेज करने का निर्देश दिया है। फिलहाल पहले चरण में योजना के तहत 500 लाभुकों को एम्बुलेंस खरीद के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसमें एक तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर समय पर बीमार को अस्पताल ले जाया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग आज। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर शुक्रवार यानी आज मतदान होगा। इस चरण में 35 जिलों के 50 प्रकरणों में वोट डाले जाएंगे। मतदान के पूर्व सभी प्रत्याशी दिन भर व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान में जुटे रहे और मतदाताओं के अपने अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश की। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक दिन पूर्व ही मतदान कर्मियों को EVS एवं बैलेट पेपर व बैलेट बॉक्स के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया। सभी कर्मचारियों अपने बूथों पर पहुंच भी गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होना है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के दौरान 57,98,389 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बड़ी खबर, बिहार में बंपर बहाली। 46,000 प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की होगी डायरेक्ट भर्ती, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हां, बड़ी खबर पटना से है। नीतीश सरकार ने बिहार के लगभग 46,000 स्कूलों में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से औपचारिक सहमति लेकर इस संदर्भ में औपचारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
अब इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 हेडमास्टरों की बीपीएससी से सीधी नियुक्ति होगी। इनमें 40,518 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की, जबकि 5,334 प्रधान अध्यापक के पद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के होंगे। राष्ट्रपति अब 20 अक्टूबर को 3 दिनों के दौरे पर आएंगे बिहार, करेंगे महावीर मंदिर में दर्शन। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब 3 दिनों के दौरे पर बिहार आएंगे। वह 20 से 22 अक्टूबर तक बिहार दौरे पर रहेंगे। एयरफोर्स के विशेष विमान से महामहिम 20 अक्टूबर की दोपहर को करीब 1 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ हाई टी लेंगे, रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। अगले दिन 21 अक्टूबर को वे बापू सभागार जाएंगे, जिसके बाद बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम करीब 1 घंटे का होगा। वहीं दूसरे दिन 22 अक्टूबर को वे सुबह पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर जाकर दर्शन करेंगे, फिर पटना साहिब गुरुद्वारा जाएंगे। पटना भ्रमण के बाद इसी दिन दोपहर को वे वापस नई दिल्ली के लिए लौट जाएंगे। बड़ी खबर, बिहार के एससी के 50,000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में खुलेंगे मॉडल आवासीय विद्यालय। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति के 50,000 से ज्यादा की आबादी वाले प्रखंडों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भूमि की उपलब्धता, विद्यालय के मॉडल सहित अन्य जरूरी चीजों का आकलन करने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने एससी एसटी छात्र छात्राओं को उनके लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का बेहतर लाभ देना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री गुरुवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में एससी एसटी कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे, तभी यह निर्देश जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, पंचायती राज विभाग का बड़ा फैसला, बिहार में 8,000 कार्यपालक सहायकों की नौकरी 60 वर्ष तक पक्की। जी हां, शिक्षकों की तर्ज पर पंचायती राज विभाग ने कार्यपालक सहायकों की नौकरी 60 वर्ष तक के लिए पक्की कर दी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बसी 80% आबादी की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इसका लाभ राज्य में पंचायती राज विभाग के तहत हर पंचायत में नियुक्त करीब 8,000 कार्यपालक सहायकों को मिलेगा। अब वे अपनी सेवाएं लगातार 60 वर्ष तक जारी रख सकते हैं। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामीण लोगों के विकास को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। बड़ी खबर, उपचुनाव से पहले तेज प्रताप को लगा बड़ा झटका, आरजेडी के स्टार प्रचारकों की सूची से किए गए बाहर। जी हां, राजद में चल रही बयानबाजी के बीच तेज प्रताप को करारा झटका दिया गया है। उपचुनाव के लिए जारी राजद के स्टार प्रचारकों की सूची से तेज प्रताप को बाहर कर दिया गया है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को राजद ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत 20 नेताओं के नाम शामिल है। तेज प्रताप का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में न होने से कई तरह की चर्चाएं गर्म हो गई है। दूसरी तरफ तेज प्रताप करेंगे लालू के नाम पर आंदोलन, तेज का ऐलान, जेपी आंदोलन की तर्ज पर एलपी मूवमेंट चलाएंगे, हरी टोपी के साथ लाठी खाएंगे, जेल भरो अभियान भी चलाएंगे। तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को कहा कि एलपी यानी लालू प्रसाद मूवमेंट शुरू करेंगे, जेपी आवास में तय करेंगे कि कैसे आंदोलन बढ़ाना है। हमने आंदोलन का नाम दिया है एलपी मूवमेंट। वह अपने आवास पर आयोजित छात्र जनशक्ति परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों का हम साथ देंगे, हम जेल भरो अभियान चलाएंगे, लाठी भी खाएंगे, डॉक्टरों की टीम भी बनाएंगे जो लाठी चार्ज में घायल युवाओं का इलाज करते जाएंगे, किसानों को अधिकार दिलाकर ही दम लेंगे, हम लोग कई तरह की कमेटी बनाएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको जोड़ेंगे। बड़ी खबर, अब पेटीएम रेड बस पोर्टल पर भी मिलेंगे बिहार परिवहन निगम की बसों के टिकट, ऐसे करें बुक। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के टिकट अब पेटीएम और रेड बस जैसे पोर्टल से भी मिलेंगे।
आम यात्रियों को घर बैठे उतने ही पैसे में टिकट मिल सके, इसके लिए निगम ने निजी बस संचालकों की तरह यात्रियों को ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा मुहैया करा दी गई है। कोई भी यात्री निगम की किसी भी वोल्वो बस का कहीं से कहीं का टिकट बुक करा सकता है। रेड बस, पेटीएम, अभी बस जैसे पोर्टल पर जाकर दिल्ली पटना, पटना दिल्ली, बिहार शरीफ दिल्ली, किशनगंज दिल्ली, दिल्ली किशनगंज के बीच चलने वाली वोल्वो बस के टिकट की बुकिंग कोई भी यात्री घर बैठे कर सकता है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कोल आए 62,324 आवेदन, उद्योग मंत्री ने की समीक्षा। जी हां, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे लाभार्थियों के चयन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी, भेदभाव की गुंजाइश न बचे। चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए और अभ्यर्थियों को भी ये जानकारी मिले कि उनका आवेदन चयनित या अस्वीकृत किस आधार पर हुआ है। बड़ी खबर, पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट में 27 को आएगा फैसला, पीएम मोदी की रैली में हुआ था धमाका। जी हां, भाजपा की हुकार रैली के दौरान गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। एनआई कोर्ट में सुनवाई 8 वर्ष तक चली। सुनवाई पूरी होने के बाद एनआई कोर्ट पटना ने इस कांड में फैसला के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है, यानी जिस तारीख को घटना हुई थी उसी तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट तब हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में बीजेपी की हुकार रैली को संबोधित करने के लिए पटना आए थे। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल भी हुए थे। बड़ी खबर, रेलवे ने कोरोना गाइडलाइन को 6 माह के लिए बढ़ाया, यात्रा के दौरान आप भी रहे सतर्क नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना। जी हां, रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को कहा कि उसके परिसर में मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगने का प्रावधान जारी रहेगा। कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए जारी आदेश की अवधि अगले साल अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में कहा कि मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के निर्देश को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। बोर्ड ने 17 अप्रैल को एक आदेश जारी करके सभी जोन को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि सभी लोग ट्रेन समेत रेलवे परिसर में भी मास्क लगाए या चेहरा ढके। आदेश में कहा गया था, बिना मास्क के पकड़े गए शख्स पर रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के तहत 500 रुपये का अर्थदंड लगाए। और अंत की बड़ी खबर, अब मिलिट्री स्कूलों और कॉलेज में छात्राएं भी ले सकेंगे दाखिला, रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी एडमिशन अगले सत्र से। जी हां, देश भर के विभिन्न राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में छात्राओं को भी अब दाखिला लगा। इन्हें शिक्षण संस्थानों में फिलहाल छात्रों को ही दाखिला लिया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि मिलिट्री स्कूलों और कॉलेज में गर्ल्स स्टूडेंट का दाखिला अगले एकेडमिक ईयर यानी 2022-23 से लिया जा सकेगा। मिलिट्री स्कूल और कॉलेज में फीमेल कैंडिडेट का दाखिला प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा जो कि जून 2022 में होना है। आज के लिए आपका सवाल, आईपीएल में आपकी सबसे पसंदीदा टीम कौन सी है? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।